उत्तराखंड में प्रशासन साउंड प्रूफ स्कूल बनाने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि साउंड प्रूफ स्कूलों की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि केदारधाम के यात्रियों के लिए शुरू की गई हेली सेवा न सिर्फ वन्य जीवों के लिए साथ ही स्कूली छात्रों के लिए भी समस्या पैदा कर रही है। हेलीकॉप्टर के उड़ने से हो रही तेज आवाज से बच्चों को पढ़ाई में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने साउंड प्रूफ स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। केदार घाटी में जितनी भी हेली सेवाएं चलती थी, तो आज तक ये होता आया था कि हेली सेवाओं के चलने से जो आसपास के स्कूल थे उनमें बच्चों का बहुत अधिक डिस्टर्बेंस हुआ करता था। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और हेलीकॉप्टर की लगातार लैंडिंग से, टेक ऑफ से, उसकी आवाज से बच्चों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इस संबंध में हमें भी कई बार टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिए गए। हम लोगों ने इसमें सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों से बात की, उनसे हमने डिटेल में मीटिंग करी और उस मीटिंग में फिर ये डिसाइड हुआ कि जो भी हेली कंपनी जिस स्कूल को भी अफेक्ट कर रही है, जिस स्कूल के बगल से वो उड़ रही है और उस स्कूल के बच्चों का डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो हेली कंपनी उस स्कूल में, अगर प्राइमरी स्कूल है तो कम से कम 2 साउंड प्रूफ रूम बनाएगी और अगर इंटर कॉलेज है तो उसके जितने भी कमरे हैं उनको साउंड प्रूफ करेगी। रुद्रप्रयाग की तर्ज पर ही सीएम रावत के विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों को साउंड प्रूफ किए जाने की कवायद चल रही है। रुद्रप्रयाग ने अपने पहल से जो उस रूट पे पढ़ने वाले कुछ स्कूलों में साउंड प्रूफ कमरे बनाए हैं, ताकि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं और जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें पठन पाठन में परेशानी ना हो, और इसी चीज़ को हम लोग और अधिक व्यापक करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि हेली कंपनियों को साउंड प्रूफ स्कूल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कंपनियों ने 6 स्कूलों में 2-2 कक्षाओं को साउंड प्रूफ कर दिया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।